नमस्ते सत श्री अकाल और सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू द टॉक शो साजन नाया टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी एंड एविएशन। टुडे इज अ ट्यूसडे एंड यस अ ज्ञान सेशन द लास्ट एडिशन ऑफ द सीरीज ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप और द फर्स्ट जॉब। यस टुडे आई वुड स्पीक अबाउट what is the ultimate goal you should have when you're stepping into your internship. We spoke on many aspects about it. Today, in the last day of this edition, I would give you a kind of a goal that you should hit as such. I'll come back to that a little later. Before that, let me talk to you all about a little bit of job scenario in general as such. If it was a normal situation, industries working, all industries working at its best, in such a scenario, there are bahut sare log aise hain jo acche hain, kaam mein acha hunar rakhte hain, solid talented hai, lekin unko kaam nahi milta hai. Ek nahi, kai log hain. चाहे लड़का हो या लड़की हो, यू नो इट डजंट मैटर, बट दे डोंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क। दे आर क्वालिफाइड, दे आर टैलेंटेड, दे आर स्मार्ट, दे एग्जीक्यूट, एवरीथिंग इज फाइन, बट गेटिंग द राइट चेयर, द राइट पर्सन इन द राइट चेयर इज अ बिग चैलेंज फॉर द कैंडिडेट हिमसेल्फ एंड ऑल्सो फॉर द कंपनी। रियली फॉर द कंपनी ऑल्सो इट इज अ बिग चैलेंज टू गेट द राइट पर्सन इन द राइट चेयर। You know, that's why we have HR team, we have personal department, we have so many things, you know, coming up in HR, new things coming up, is to get the right person, trying to evaluate, trying to work out what management skills can be used to get the right person. Or aise ek situation mein jahan par hum kehte hain ki bhai kaam milna is being lucky, aise ek situation mein COVID-19 hai, pandemic hai, to jobs kahan se aayenge? अभी अनलॉक हो रहा है धीरे धीरे, और जो भी एंटरप्रेन्योर्स, जो भी टूर ऑपरेटर्स, जो बिजनेस पीपल है, जो ऑप्टिमिस्टिक है, वो लोग अपने दुकाने खोल रहे हैं, अपने कंपनीज खोल रही है, जबकि उनको उनको खुद को डाउट है कि भाई कैसे होगा कल। किसी को नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, जो कर रहे हैं, जो खोल रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी नहीं मालूम। दे आर बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, हाँ भाई सब सही होगा, इस सोच से, इस होप से खोल रहे हैं। ऐसे में कई ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि हम आपको इंटर्न में भी लेने तैयार है इंटर्नशिप के लिए। सो अगर आप प्लेस होते हो इंटर्नशिप में एज इंटर्न, इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस, इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। द डे यू स्टेप इन, whether it's a small agency, whether it's a big company, a small company, organization, doesn't matter. Once you've decided to go into that organization, the day you step in, tell yourself, I will walk away after 3 months or 4 months of my internship. This management will offer me a job in this company. That is a victory by itself. I'll tell you why. Because that company has understood you in totality in 3 months' time. They've understood your personal attributes. They've understood your professional abilities. They understood you as a human being. They've collaterally had a discussion, and then they've collectively had a discussion, and they've decided, yes, let us retain this person. And they tell you that, yes, you go back to your college, do your finish your studies in 6 months' time, and when you're finished, you can step into my organization. Wow, wow, wow. That is an achievement. Yes. वो आपका काबिलियत ने आपने प्रूव किया कि आप उसके लिए बने हो, तो वो ही आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हर एक का। जहां पर भी आप इंटर्न में लग रहे हो, आप काम लोगे नहीं लोगे बाद में 6 महीने के बाद, वो बात की बात है, वो मैं बाद में बात करूंगा उसके बारे में। लेकिन आज क्योंकि आपने 3 महीना काम किया, आपने प्रूव किया कि आप सेल्स भी कर सकते हो, आप
मार्केटिंग भी कर सकते हो, आप ऑपरेशंस भी कर सकते हो, आप कमिटेड हो, आप ऑनेस्ट हो, आपको सीखने की चाहत है, आप बहुत कुछ सीख कर आए हो, ये सारी चीजें इवैल्यूएट करके ही आपको जॉब ऑफर दिया गया है, वो आपकी जीत है बॉस, आपकी जीत है। तो एवरीवन वो टेक्स अप द जॉब इंटर्नशिप, दे यू कीप योर लेग इन, यू शुड टेल योर सेल्फ आई विल वॉक अवे विद ऑफर लेटर फ्रॉम यू, वेदर इट्स अ बिग कंपनी और अ स्मॉल कंपनी, दैट शुड बी योर सोल ऑब्जेक्टिव, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, जस्ट लुक एट दैट ऑब्जेक्टिव, विल दे ऑफर मी और नो, एंड डोंट डू एवरीथिंग जस्ट टू प्रिटेंड दैट दिस इज योर गुड, डू द फैक्ट दैट विद इंटेंट दैट यू वॉन्ट टू प्रूव योर सेल्फ, दैट अर्नेस्टी विल बी अप्रिशिएटेड, दैट अर्नेस्टी इज वॉट वी लुक फॉर फ्रॉम अ यंगस्टर। सो आई बिलीव सीरीज 1, 2, एंड 3 यू अंडरस्टूड द कॉर्पोरेट सिनेरियो एंड द फोर्थ वन टूडेज ऑब्जेक्टिव्स, आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड विच वे टू स्टार्ट फ्रॉम, हाउ टू गो अबाउट इट, एंड वेर डू यू वॉन्ट टू रीच इन 3 or 4 months टाइम। इफ योर आउटलुक, आपका सोच जो है, विजन जो है, आपको दिखता है अगर 4 महीने इंटर्नशिप के बाद कैसे होने वाला, इंटर्नशिप के दौरान और इंटर्नशिप के बाद क्या होने वाला है, आई थिंक यू आर रेडी एंड स्टेडी टू गेट इन टू द इंडस्ट्री। उसके बाद वर्किंग में क्या करना है, कैसे करना है, यस सम अदर टाइम यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, आई विल ट्राई टू आंसर इट आल्सो एंड मेक अदर एपिसोड्स ऑफ ज्ञान एज सच। ऑलराइट, सो आई फिनिश्ड, आई स्टार्टेड ऑफ विद बाय सेइंग व्हाट इज द माइंडसेट ऑफ द रिक्रूटर्स टुडे, एस्पेशली कोविड-19, देन आई स्पोक अबाउट व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस शुड यू ऑल बी वर्किंग इन, राइट। थर्ड, I spoke about what should be your role or how should you conduct yourself in the corporate world, and the fourth, what is the sole objective you should have in doing your work through your internship, your goal. If you get collectively all of them together, I think you can see the picture clear. All right. Again, I say kindly share it with your parents, because why I'm saying parents, because they're more experienced. Okay. They can speak to you after listening to it, how it is, what it is. They can guide you better. If you want to share it with somebody who's of your confidence, जो आपको लगता है कि हाँ भाई इनके पास experience है, ये सही है, ये मुझे मार्गदर्शन दे सकता है, तो ये वीडियो जरूर दिखाना। उस मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इसके साथ वो ऐड ही करेगा। I'm telling you, it'll only add and that will give you a better outlook कि आपको आपके internship को कैसे देखना है। इसको बंद रखो, इसको और इसको खुला रखो, और सिस्टम्स कैसा चलता है, कंपनी कंपनी है क्या, वो एंटिटी कैसे चलता है, मैं थियरी में क्या सीखा है और प्रैक्टिस में क्या हो रहा है, ये आपको समझना है, आपको जताना नहीं है, ये आपको समझना है। ऑलराइट, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ, बाय।